क्या घटिया था क्वालिटी, कुछ नहीं देख पाओगे। ये वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत दिन से मेरे चैनल में आ रहा था, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम में टेक्स्ट करके बता रहे थे कि दीपांजन क्या हो गया। तो मैं कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाले थे कि हीरो का जो एक्सपल्स है, मीन्स एक्सपल्स 200 जो मेरा है, मीन्स रौनक है, वो वाला बाइक के अंदर रिम हो गया बेंड, तो वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आने का एक ही कारण था कि हाँ, शूटिंग चालू था, टाइम नहीं मिल रहा था। आज मिल गया टाइम, शूटिंग हो गया पैकअप, तो हम सोचे अब बताते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो भी है, अब लोग देख लो, उसके बाद फिर से मिलते हैं। सो ओके गाइस, वी आर इन सिलीगुड़ी राइट नाउ एंड दिस इज द हेडलाइट थ्रो क्वालिटी ऑफ एक्सपल्स। सी दिस इज द हाई बीम एंड दिस इज द लो बीम, देयर इज नथिंग, आप लोग कुछ नहीं देख पाओगे, लिटरली नथिंग। ऐसा कंपनी हेडलाइट प्रोवाइड करेगा ना, क्या होगा हम लोग को पता नहीं है भाई। आफ्टर मार्केट लाइट इज फाइन, बट आफ्टर मार्केट लाइट इज नॉट लीगल इन इंडिया। देख लो एक बार व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी हीरो इज प्रोवाइडिंग टू अस, इज दिस द क्वालिटी। अब नाइट राइड कर नहीं सकते इसके साथ। अभी सिलीगुड़ी का कंडीशन, वेदर कंडीशन इज एक्सट्रीम, बहुत जोर का बारिश चालू है, लेकिन आप लोग देख लो एक बार जैसे इतना घटिया सा क्वालिटी है, कुछ नहीं देख पाओगे। जैसे गाड़ी आ रहे हैं वही वही हाईवे फॉलो करके हम लोग जा रहे हैं। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हीरो। तो आज ब्लॉग बनाने का मूड था, लेकिन वेदर कंडीशन एक बार देख लो। अभी रिफ्यूल के लिए जस्ट 29.1 किलोमीटर हुआ है। एक चीज बोलना है, एक्सपल्स का जो परफॉर्मेंस है, मीन्स ऐसा खासा वेदर में, उसके बाद बहुत सारे ऑफरोडिंग आया, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज में ही दिक्कत। अब लोग देखिए लास्ट क्लिपिंग्स, तो हाँ, हेडलाइट इज द मेन इशू। उसके बाद क्या बताया भाई, एवरीथिंग इज लाइक वेरी गुड, क्या रौनक, एवरीथिंग इज लाइक वेरी गुड, हैंडलिंग मार्वलसली कर रहा है। उसके बाद टायर, क्या बात, सब कुछ सही है, हेडलाइट पूरा घटिया है भाई। ऐसे लॉन्ग राइड के टाइम अगर नाइट राइड करोगे, बहुत 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 रिस्क है, यू हैव टू यू नो इंस्टॉल सच फॉग लाइट्स आफ्टर मार्केट मोड। तो कोई नहीं, अभी हम लोगों को कवर करना है कोलकाता। आज का ब्लॉग ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन ऐसे छोटा छोटा करके क्लिपिंग्स होगा, तो एंजॉय करना है तो कर लो। एंड रौनक का कैमरा, मीन्स कैमरा, तो भाई कैमरा निकलने का जो गट्स होता है, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गट्स टू टेक आउट माई एक्शन कैमरा, टू टेक आउट माई G7X Mark II, क्योंकि इतना जोर का बारिश हो रहा है ना, क्या बताया भाई। तो इसके कारण ये फोन से ही शूट करेंगे। अगर ठीक ठाक लगा तो लाइक कर सकते हो भाई। Tremendous riding. बारिश अभी नहीं हो रहा है, सुनाई दे रहा है कुछ। अरे लास्ट वाला क्लिपिंग्स आप लोग देखे, तो देखने के बाद आप लोग को पता चल गया था कैसा हालत था वेदर का। बहुत ही बड़ा एक पोपट हो गया भाई एक्सपल्स 200 के साथ। बहुत बड़ा गड्ढा तो था नहीं, थोड़ा क्लोजर होना, बहुत बड़ा गड्ढा था नहीं, थोड़ा बहुत था, लाइक इतना डीप होगा, इतना डीप था। 21 इंच का सामने का ये टायर है, टायर सेक्शन, लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, आई एम रिपीटिंग वन सेकंड, बहुत बड़ा गड्ढा था नहीं, बहुत जोर का बारिश हो रहा था, पूरा अंधेरा था तब, मेरे को वो गड्ढा देखा नहीं, मिडिल ऑफ द रोड था, ऐसे ही रोड है, रोड कंडीशन देख लो रोड का, इतना मक्खन रोड है, लेकिन बीच में एक गड्ढा था, जिसके कारण अभी रिम हो गया बेंड। अभी टाइम कितना है, देखिए दिखा देते, 5 o'clock अभी 5 o'clock एट द मॉर्निंग एंड अभी हाँ भाई देखा, सो यस देख सकते हो आप लोग, ऐसे करके यहाँ से बेंड हो गया इसका रिम। अभी क्या करें वो पता नहीं। तो अभी यहाँ पे एक शॉप मिला है, देखते हैं यहाँ से कुछ होता है कि नहीं। आज का दिन क्या है मालूम नहीं है, स्टार्टिंग के टाइम 45-50 किलोमीटर के टाइम हो गया, लग गया पोपट, एंड रौनक भी कैमरा ऐसे ऐसे करके नीचे कर, कैमरा भी नहीं है, फोन शूट कर रहे तब भी। अभी देखते हैं अगर यहाँ से ठीक हो पाए तो ठीक है, नहीं तो RSA को फोन करके देखेंगे, हीरो का RSA काम करते हैं कि नहीं, आज ट्राई करेंगे। आज का वीडियो इतना कुछ हो गया वीडियो में, क्वालिटी तो अच्छा नहीं है आई नो, बट एंड आई एम लुकिंग लाइक अ जोकर। 30 मिनट्स हो गया, हम लोग यहाँ पे ही वेट कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे, बहुत कुछ फोन किए कि क्या कर सकते हैं। हीरो कस्टमर केयर का टाइमिंग है फ्रॉम 9 टू 11, इसलिए फोन नहीं उठाया। और एक चीज बताते हैं, क्या दिन है मालूम नहीं है। अभी ठीक से हम लोग नोटिस किए, अभी पीछे भी सेम जगहों में ठीक वैसा ही बैंड हुआ, आई डोंट नो भाई क्या हो जाए, इतना बड़ा खड्डा था नहीं, दोनों रिम ही बैंड हो जाए,
और उसके ऊपर और एक पोपर रौनक और कौन था वो फोन किए कि ये सिचुएशन है और मेरे हाथ से फोन लेके रौनक वो स्टॉकिंग की तौर पर था एंड ठीक वो टाइम पे उसके हाथ से मेरा फोन गिर गया एंड गिर के एंड हालत देख लो अभी इट्स नॉट गेटिंग ऑन. अब क्या करें बताओ, सारे कॉन्टैक्ट इस फोन में है, इसके पास तो वैसा कॉन्टैक्ट है भी नहीं. डोंट नो क्या होगा, क्या करें. हम दोनों का देना ठीक नहीं है. पहले नोटिस किया कि फ्रंट रिम हो गया बेंट, फिर नोटिस किया पीछे का रिम हो गया बेंट, सेम एक ही था. एंड उसके बाद देखे बस देखे नहीं सिचुएशन जो हुआ कि रौनक के हाथ से मेरा फोन गिर गया. तो ऐसे करके अभी के लिए प्लान है टू मूव टूवर्ड सिलीगुड़ी एंड वहाँ पे जाके कुछ अगर कर सकते तो ठीक है, क्योंकि कोलकाता इज टू फार फ्रॉम हियर भाई. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 500 प्लस किलोमीटर. अभी सिलीगुड़ी बहुत ही नज़दीक है यहाँ से, वही करना पड़ेगा. लेकिन रौनक को डर लग रहा है कि क्या करेगा. रौनक बोल रहा था कि नहीं सिलीगुड़ी नहीं लौटेंगे, जो होगा सामने होगा. लेकिन वो करने से कुछ होगा नहीं, आज बाइक छोड़ के ही जाना पड़ेगा रौनक. हालत देख लो हम लोगों का, ये शू रेनकोट था तो इसलिए बच गए. ये वाला बैग के अंदर मेरा ड्रोन, मेरा कैमरा, एक्शन कैमरा, सारे चीज है. एक रेन कवर तो है, अगर रिम बेंड होता है तो यू हैव टू रिड्यूस योर टायर प्रेशर, नहीं तो नहीं चला पाओगे भाई, और भी ज्यादा रिस्क हो जाएगा. देख लो कैसे हुआ है. दिन है खराब, क्या करे अब, सुबह के बाजे छे हम बोले. अभी अभी राइड नहीं हो रहा है, ठीक है. लॉन्ग राइड में ऐसे एक्सपीरियंस होना भी ठीक है, होता है भाई. जस्ट विशस लक, विशस लक, क्योंकि बाइक ठीक हो जाएगा वो कोई बात नहीं है. हाँ, लेकिन हम लोग को जाना है क्योंकि प्रोजेक्ट आज पहुंचना ही है. कैसे तैसे करके भाई आज कोलकाता पहुंचना ही है. अभी फ्लाइट में जाना तो चाहते हैं हम लोग, लेकिन बहुत महंगा है फ्लाइट का प्राइस, लाइक 5,000-6,000. क्या करें बताओ, इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. स्टूडेंट्स है, ज्यादा बोल रहे हैं आई नो, बट स्टिल थोड़ा बहुत सुन लो. आज क्या करें भाई, बहुत जोर का बारिश फिर से चालू हो गया. एंड राइट नाउ द प्लान इज वी विल ड्रॉप द बाइक टू सिलीगुड़ी. अभी देखो भाई, बाइक सिलीगुड़ी में ड्रॉप करना है क्योंकि हम लोग को आज ही कोलकाता जाना है. 12:10 का फ्लाइट है. एंड एक चीज ना मेरे को बोलना है कि दिस इज द ऑफ रोडर मशीन, लेकिन उतना बड़ा भी खड्डा नहीं था कि दोनों रिम एक साथ पूरा बेंड हो जाए. क्वालिटी कैसा है आई डोंट नो. अभी देखो सर्विस जब होगा, सर्विस स्टेशन जब देखेंगे ये प्रॉब्लम को, आई होप कि दे विल सपोर्ट अस. एंड ठीक ठाक से कुछ सपोर्ट हम लोग को मिलने वाला है. दिन ही खराब है, पूरा दिन ही खराब है. देखो फिर से कितना जोर का बारिश. चल भाई, तो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन करते हुए एटलास हम लोग सिलीगुड़ी टाउन आके पहुंचे. तो अभी और एक बार डिटेल में मैं दिखाऊंगा कि हालत कैसा है. एक चीज मेरे को बहुत डाउट हो रहा है, लाइक सामने का जो रिम है एंड पीछे का जो रिम है दोनों एक ही तरफ बेंड हुआ है. एंड क्या बताया भाई, ऑफ रोडर बाइक है, उसके ऊपर आई डाउट कि क्वालिटी कैसा है. क्योंकि अगर बाइक ऑफ रोडर है तो थोड़ा बहुत तो खड्डे के ऊपर से जाएगा भाई. हिमालयन के साथ कभी ऐसा हुआ मैं सुना तो नहीं. यहाँ पे देख लो, इतना ज्यादा यहाँ पे बेंड हो गया ये रिम इधर पे. हाँ, तो फ्रंट रिम इतना बेंड हुआ है. एंड इसका शेप देख लो एक बार एंड पोजीशन देख लो. एंड अभी पीछे आते हैं, अभी इधर देखो, इसका पोजीशन देखो एंड शेप देखो, सेम सेम जैसा बेंड कैसे हो सकता है, यही मेरे को लगा. पीछे का जो टायर है वो ज्यादा गड्ढे में गिरा भी नहीं, क्योंकि फ्रंट टायर का साइज है 21 इंच, तो उसके कारण वो थोड़ा बम्प हो गया था, तो थोड़ा बहुत व्हीली मार के वो आगे था. एंड जो पीछे का टायर है वो थोड़ा बहुत गड्ढे में गिरा, पर क्या बताया भाई, खड्डे का साइज अगर बताए तो मेरा सॉक्स तक. अच्छा, इसका सॉक्स तक देख लो, इतना सा गड्ढा था. तो ऐसा अगर ऑफ रोडर बाइक का क्वालिटी होगा रिम का, तो आई डाउट लोग इसके साथ ऑफ रोड कैसे कर पाएंगे. आई डोंट नो, बट हीरो दिस इज लाइक यू नो वेरी बैड एक्सपीरियंस विथ यू. मैं रौनक को बहुत कन्विंस किए थे कि रौनक गो फॉर एक्सपल्स 200, क्योंकि बहुत R&D की है हीरो का टीम, बहुत साल से काम किए बाइक के ऊपर. लेकिन इफ दिस इज द रिजल्ट देन आई डोंट नो वॉट टू से. दिस इज द फर्स्ट बाइक ऑफ वेस्ट बंगाल एज पर आवर शोरूम सेड दैट दिस इज द फर्स्ट, एट लीस्ट द फर्स्ट बाइक ऑफ कोलकाता एक्सपल्स 200. एंड ऐसा अगर हालत हो बाइक का, बहुत ही खराब है भाई. देख लो इधर से कितना ज्यादा बेंड हो गया. इट्स नॉट पॉसिबल. पॉसिबल था, मैं हर क्लिपिंग सब लोगों को दिखाया, लेकिन अभी कुछ चीज मेरे को शेयर करना है आप लोगों के साथ. तो ये जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट जो भी है, जो चीज हुआ है मेरे साथ, वो 1.5 महीने मीन्स 1.5 मंथ से थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो गया. मैं बहुत बार हीरो को कॉल किए, एक ही चीज अभी नहीं की कि हीरो को पर्सनली मैं जो ऑफिशियल मेल होता है वो नहीं किया अभी तक. क्यों नहीं बताते, बहुत बार मैंने शोरूम में कॉल किए, शोरूम में विजिट किए, उसके बाद शोरूम का जो हेड है
मींस मैनेजर ही बोलते हैं उसको, उसके साथ बात की, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर बार कि एक काम करो सर, आप एक कंप्लेन भेज दो हीरो को। लेकिन वो लोगों का एक ही कहना है कि एक काम करो जी, अब सिलीगुड़ी से कोलकाता बाइक को लेके आओ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। मींस हाईटेक हीरो का जो शोरूम है वहां का इंजीनियर चेक करेगा कि किसका गलती है, मेरा और नहीं तो बाइक का, मींस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो ये सारी चीज ठीक है, लेकिन आप लोग बताओ, एक चीज बताओ, सिलीगुड़ी से बाइक अगर कुरियर सर्विस के साथ लेके आए इधर तो खर्चा कितना आएगा? इट्स मोर देन 3,000 रुपीज। मैंने हाईटेक हीरो कॉस्मो को एक रिक्वेस्ट किए कि सर एक काम करो, आप हीरो के पास ये कंप्लेन भेज दो, उसके बाद सिलीगुड़ी से ठीक करवा दो, उसके बाद मैं खुद सिलीगुड़ी जाके बाइक लेके आऊंगा। लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, वो लोग का एक ही बात है, नहीं जी हम लोग नहीं कंप्लेन करेंगे। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय हीरो, क्योंकि देखो भाई ऑफ रोडेड बाइक है, थोड़ा बहुत गड्ढे में बाइक गिरेगा, उसके बाद अगर रिम उसका बेंड हो जाए, दोनों रिम बेंड हो जाए, तो क्वालिटी कैसा है? क्योंकि क्वालिटी के ऊपर तो भाई क्वेश्चन आ जाता है। और एक चीज मेरे को बताना है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड वीडियो देखने के बाद आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि नहीं जी एक्सपल्स 200 नहीं लेना है, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि जो बाइक है बहुत अच्छा है, एट द प्राइस व्हाट यू आर पेइंग उसे बहुत ज्यादा चीज आपको मिल रहा है ये वाला बजट के अंदर। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वाला बाइक में ही प्रॉब्लम है, हर एक एक्सपल्स 200 के पास नहीं है, पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया। एक चीज मेरे को बाकी है करना, वो कि मेल करना ऑफिशियली मेल, जो कि मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि अच्छा रिलेशन है हाईटेक हीरो कॉस्मो शोरूम के साथ। अभी कोई नहीं भाई, रिलेशनशिप को गोली मारते हैं, बिकॉज मेरा बाइक को मेरे को ठीक करना है। तो यही बताना था, यही दिखाना था, दिखा दिए। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है तो डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम में, मेरा इंस्टाग्राम आईडी इज DIP_ANGAMA दीपांगामा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करके देखो कि दीपांगामा कैसे काम करते हैं। अगर ठीक ठाक लगा तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो अनसब्सक्राइब कर दो, कोई नहीं। जो करना सोच समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। एंड एक्सपल्स 200 भी थोड़ा बहुत सोच के लेना, लेकिन बाइक बहुत अच्छा है।